बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th, होप यू आर फाइन। ओके क्लास, लास्ट टाइम आपने जो डिस्कस किया है वो बोर्ड पे अभी तक लिखा हुआ है, और उसके अलावा जो नेक्स्ट अब हम पढ़ने लगे हैं वो आपका फर्स्ट स्टेप है, जो कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है। जैसा मैं आपको मैंने पहले बताया है कि शनाख्त करना, ठीक है? तो जब प्रॉब्लम को शनाख्त बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, कर लेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि आप उसको बहुत बेहतर अंदाज में सॉल्व भी कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आपको मैंने कहा कि 97 + 7 कितने हैं, तो आपके ने ये सुना कि 97 + 6, आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो गलत थी, तो आपकी प्रोसेसिंग का टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा, वो ज़ाया है, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो लिहाजा इसकी डेफिनेशन के अंदर हम कहते हैं, इन दिस स्टेप प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड इज ऑब्जर्व्ड केयरफुली। यहाँ देख लेते हैं, केयरफुली क्या मतलब? कि आपने ऑब्जर्व बहुत ध्यान से करना है। अगर ऑब्जर्वेशन गलत हो गई तो फिर फायदा नहीं है, ठीक है? इन दिस स्टेप द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड, इसका क्या मतलब है? बीइंग सॉल्व का मतलब जिसको सॉल्व करना है वो आपकी प्रॉब्लम जो है उसको आपने बहुत बेहतर अंदाज में ऑब्जर्व करना है, ठीक है? आगे अब ये चीज जो हमेशा हमें रखती है कि ये तो हम बहुत अच्छा काम करते हैं, मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न आर आइडेंटिफाइड एंड इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज फिल्टर्ड आउट। ये क्या बात हुई? मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न, मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न आर आइडेंटिफाइड, इसका मतलब ये है कि जो मेजर चीजें हैं ना, टास्क हैं, उनको आपने आइडेंटिफाई करना है, उसको बोल्ड में लिख लेना है आपने, ठीक है? उसको आपने बहुत ज्यादा क्या करना है, तवज्जो देनी है। जैसे शायद आपने पढ़ा हो कि भाई वो 9th में फिजिक्स में, शायद कंफर्म नहीं है मुझे, कि आप उसको बोल्ड हरूफ में लिखते हैं वेक्टर को। तो इसी तरह कुछ जो आपकी बुनियादी बात है उसको बोल्ड करके उसको आइडेंटिफाई करें। उसने ये कहा, उसने ये नहीं कहा बोल्ड करें, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इसका मतलब कि आप उसको जरा बिल्कुल इस तरीके की अपेयरेंस दें जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हो, ठीक है? और उसके बाद एंड इररेलीवेंट इंफॉर्मेशन इज फिल्टर्ड आउट। इररेलीवेंट इंफॉर्मेशन जो गैर जरूरी आपकी है, फिल्टर्ड आउट, निकाल दें, उस पर तवज्जो ना दें, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? अब ये पूरा लिखा तो नहीं जा सकती, एग्जाम्पल तो नहीं लिखी जा सकती, लेकिन कुछ बातें लिखी जा सकती हैं। सपोज, चले मैंने कुछ लिखना है अभी, इसलिए यहां पे लिखते हैं। सपोज यू वॉन्ट टू डिवेलप अ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का मतलब बनाना, सारी चीजें हो सकती हैं कि जी कैलकुलेटर बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर चीज सा जो मर्जी मतलब आप उसमें ले लें, कि कैलकुलेटर मतलब लिख रहे हैं, मतलब कैलकुलेटर का मतलब ये कि क्या प्रोग्राम बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं, या जो मार्केट में मिलते हैं केसीयू वगैरह का, वो है, तो वो कोई भी आप ले लें, बस आप डेवलप करने लगे। तो अब आपका मेजर कंसर्न क्या होना चाहिए? मेजर कंसर्न ये होना चाहिए, डेवलप अ कैलकुलेटर, एक चीज मैं भूल गया हूँ, बेसिक कैलकुलेटर। बेसिक कैलकुलेटर का मतलब क्या होता है? बुनियादी, बुनियादी के अंदर क्या चीजें होती हैं? एरिया ऑफ कंसर्न, एरिया ऑफ कंसर्न क्या है हमारा? प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, लेट सपोज, और भी हैं रिमाइंडर वगैरह, बस ये चीजें हैं, और तो नहीं है कुछ, समझ आ रही है?
इररिलेवेंट क्या है हमारे लिए, इररिलेवेंट क्या है जिसको आपने निकाल देना, साइन थीटा कॉस थीटा, मजीद आगे जितनी भी चीजें हैं लॉग, ये जो चीजें हैं ये क्या करेंगे निकाल देंगे। तो वैसे तो हम बहुत ज़्यादा क्यों ही हमें ये क्वेश्चन कह के यार ये काम करना था, सर ने हमें क्वेश्चन दिया, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया, हम दो करके ले आए, सर बड़े खुश हो गए कि अच्छा क्या बात है। यार कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता, जिसने आपको जो काम कहा है आप वही करेंगे। अगर आप कोई एडिशनल चीज़ कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आपने उसकी प्रॉब्लम मुकम्मल सॉल्व नहीं किया, हालांकि आपने बड़ा अच्छा काम किया। कंप्यूटर के अंदर ये रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपने नहीं डालनी, जब उसने आपको नहीं कहा है तो आपने नहीं लिखनी। अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम है लेकिन पेपर वर्क में कोई अच्छा काम नहीं है। जब लिखा जाएगा बिला वजह हो सकता है कि वो आप कोई एम्प्लॉय कहें मैंने कहा ही नहीं तो किया क्यों है, समझ आ रही है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है और इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को आपने निकाल देना है। आगे वो कहता है इन दिस वे बाय फिल्टरिंग इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वी कैन कॉन्सेंट्रेट आर एक्चुअल प्रॉब्लम, क्योंकि भाई जब एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो तो तब भी सामने। अब मैं कहता हूँ कि जी आप जो है वो जनाब याद करके आए तीन लाइन है, आप कहते हैं नहीं 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 हम लाइक हैं हम तीन क्यों करें हम तो दस करेंगे। ठीक है, दस लाइनें याद करने शुरू की हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी, याद नहीं हो पा रही। आपको कहा किसने है कि आप ये याद करें, समझ आ रही है। इसका मतलब ये है कि इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है जब निकाल देंगे क्या काम आसान नहीं होगा, तीन आसानी से याद नहीं हो जाएंगी, समझ आ रही है बात की। तो बर्डनाइज ही हो रहा है ना किसी भी तरीके से, जब आप एडिशनल काम करें तो आपका काम ज़्यादा ही हो रहा है ना, कम तो नहीं हो रहा। यही चीज़ समझाने वाली है कि आपने उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना। तो इसलिए मैं फिर इसको मजीद, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि इन दिस स्टेप द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व इज ऑब्जर्व केयरफुली, मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न आर आइडेंटिफाइड एंड इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज फिल्टर्ड आउट। सेकंड लास्ट लाइन देखिएगा, उसमें लिखा होगा बाय फिल्टरिंग आउट। ठीक है, तो उससे पहले बिकॉज लगा लें और करें बिकॉज बाय फिल्टरिंग, बिकॉज बाय फिल्टरिंग इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, सॉरी फिल्टरिंग आउट इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन आर एक्चुअल प्रॉब्लम। ठीक है जी, कि जब आप वो निकाल देंगे तो वो बेहतर अंदाज में आप उस पर ज़्यादा तवज्जो वगैरह दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर इतना ही था, अपना ख्याल रखें और डेफिनेशन को ज़रूर याद करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।